इस वीडियो के अंदर अपन गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर दो सेटिंग करना सीखेंगे। तो ये दो सेटिंग हमारे को क्यों करनी होती है, क्योंकि गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर अपन बहुत सारे काम करते हैं, खास करके अपन बायोमेट्रिक डिवाइस का कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर हमारे को गूगल क्रोम फ्लक्स सेटिंग है उसको अनेबल करना होता है, उसके अंदर इनवैलिड सर्टिफिकेट को अलाउड करना होता है, और हमारे को बायोमेट्रिक डिवाइस यूज़ करने के लिए एक और सेटिंग करनी होती है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर हमारे को बायोमेट्रिक डिवाइस को यूज़ करने के लिए कौन कौन सी सेटिंग करनी होती है। तो सिंपल एक मिनट की सेटिंग होती है, लेकिन ये सेटिंग हमारे को समझ में नहीं आती है या अपन सेटिंग नहीं करते हैं तो हमारे गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर बायोमेट्रिक डिवाइस है वो वर्क नहीं करती है और हम लोग परेशान हो जाते हैं। तो अगर कोई भी आप बैंक बीसी का काम कर रहे हैं, फिनो पेमेंट बैंक यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़ कर रहे हैं, या आप कोई भी एईपीएस यूज़ करते हैं, या आप ई मित्रा यूज़ करते हैं, या आप सीएससी यूज़ करते हैं, या कोई भी आप बायोमेट्रिक डिवाइस का काम करते हैं, उसके अंदर हमारे को गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर ये सेटिंग करनी होती है। तो ये सेटिंग करने के बाद में अगर आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर बायोमेट्रिक डिवाइस वर्क कर जाती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आती है वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गूगल क्रोम ब्राउज़र को हमारी कभी भी सेटिंग प्रॉब्लम हो जाती है तो सेटिंग को रीसेट कैसे करते हैं उसके लिए हमने वीडियो बना दिया है, हमारे चैनल पर विजिट करके आप वीडियो को देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके भी वीडियो को देख सकते हैं, या फिर मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहां पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम वीडियो को करते हैं कंटिन्यू और आपको पूरा लैपटॉप की स्क्रीन पर लाइव प्रोसेस करके दिखा देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मेरा नाम जसराज और आप देख रहे हैं जसोल कंप्यूटर चैनल। फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको गूगल क्रोम को रीसेट करना बताया था, तो वो वीडियो अभी तक आपने हमारे चैनल पर नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर आप विजिट करके ये वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में आप सीख सकते हैं कि आप गूगल क्रोम को रीसेट कैसे कर सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको गूगल क्रोम में फ्लग सेटिंग करना बताऊँगा और बायोमेट्रिक डिवाइस की सेटिंग करना बताऊँगा। तो ये फ्लग सेटिंग हमारे को क्यों करनी पड़ती है, हमारे गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर अपन बायोमेट्रिक डिवाइस से कोई भी काम करते हैं, जैसे आप एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़ करते हैं, फिनो पेमेंट बैंक यूज़ कर सकते हैं, या और कोई भी आप बायोमेट्रिक डिवाइस से रिलेटेड आप गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर काम करते हैं तो आपको गूगल क्रोम में फ्लक्स सेटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फ्लक्स सेटिंग के साथ में एक और सेटिंग करना होता है, वो मैं आपको दोनों ही सेटिंग इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है, उसके बाद में हमारे को यहाँ पर क्लिक करना है, और उसके बाद में यहाँ पर हेल्प पे हमारे को माउस लाना है, उसके बाद में यहाँ पर अबाउट गूगल क्रोम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में अगर आपका गूगल क्रोम अपडेट नहीं है तो यहाँ पर आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र है वो यहाँ से अपडेट हो जाएगा। अगर आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र अपडेट है तो यहाँ अप टू डेट लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद में हमारे को सबसे पहले क्लिक करना है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे, उसके बाद में हमारे को सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पर नीचे स्क्रॉल कर लेना है, उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑलवेज यूज सिक्योर कनेक्शन, तो हमारे को यहाँ पर राइट करना है, ये बायोमेट्रिक डिवाइस के लिए है। अगर अपन यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं तो हमारी बायोमेट्रिक डिवाइस है अपने गूगल क्रोम के अंदर काम करने लग जाएगी। उसके बाद में हमारे को फ्लक्स सेटिंग करनी है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गूगल क्रोम का इस प्रकार से एड्रेस आ गया है, तो यहाँ से अपन ये सेटिंग लिखा हुआ है, यहाँ से ये पीछे वाला एड्रेस है इसको बैक स्पेस से हटा देंगे और यहाँ पर अपन लिखेंगे FLAGS फ्लक्स लिख देंगे, उसके बाद में एंटर प्रेस कर देंगे, उसके बाद में यहाँ पर ये हमारी फ्लक्स सेटिंग है ये ओपन हो जाती है। फिर अपने को कंट्रोल F कीबोर्ड से टाइप करना है, उसके बाद में यहाँ पर सर्च करना है INVALID इनवैलिड अपन लिख, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप लिखोगे तो यहाँ पर ये अलाउ इनवैलिड सर्टिफिकेट की सेटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर ये डिस्पेबल लिखा हुआ आ रहा है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर एनेबल पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको गूगल क्रोम ब्राउजर है ये रिलॉन्च कर देना है। उसके बाद में आप अपना
गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर कोई भी काम करेंगे उसके अंदर आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस काम करेगी, या और भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो ये सेटिंग कंप्लीट करने के बाद में आपके गूगल क्रोम ब्राउजर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सेटिंग काफी लोगों को पता नहीं होता है, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो से अगर आपकी कोई भी हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइए, और आपको कोई भी गूगल क्रोम के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।